ओम नमः ओम नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो अध्यायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान मनिकांतं साधुमत्तं मंगलं वंदे संदष्टि सिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थ प्रकाशकं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतम गणे मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जेतु शासनं ये जाया जानिक एकं कलंक दहि नित्य निरंजन नान मैत्रे परम नमः समय साराय अनुभूत्या चकास्ती चित्त भावाय भावाय सर्व भावाय। जैसे शील के पालन करने के लिए बहुत धन बहुत शक्ति बहुत बुद्धि बहुत रूप बहुत कलाएं जरूरी नहीं, शील का स्वरूप समझ में आना चाहिए। अहिंसा के पालन करने के लिए बहुत पैसा चाहिए शक्ति चाहिए नहीं, समझ चाहिए सच्ची समझ और वैराग्य विरक्तता। इसी प्रकार धर्म के लिए बहुत बुद्धि नहीं चाहिए, ज्यादा बुद्धि का काम नहीं है, सम्यक बुद्धि चाहिए, विनय सरलता संतोष, इन्हीं से परिणामों की शांतता बढ़ेगी और जीवन सफल हो जाएगा। अभी सोनागिर में जो बाई थी श्री बाई मोह की धर्मशाला में रहती थी, कितने वर्षों हो गए हैं? आवाज खोलने गया है जीवन में, जब से हमने देखा कसायों के प्रसंग बहुत कम न के बराबर, कभी कोई पहुंच गया घर की तरह बादशाह, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। हम इसलिए कह रहे हैं कि पढ़ाई 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 के दिमाग जो बना रखे अपन ने, और एक अंतर में समता और संतोष शांति की व्यवस्था दूर चली जाती है, टेंशन में पड़े रहते हैं, उनको सोचना चाहिए बड़ी सहज भाव से। पिछली बार जब गए थे बोले भैया बताओ अब क्या करें पंडित जी, अब हमारा शक्ति ज्यादा रही नहीं है, अंतिम समय है, हमने बाई से कोई बात नहीं है, बे छूटेगी से छूटेगी कोई बात छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा सुंदर प्रसंग बन गया, न कोई वेदना, चार दिन पहले से उन्होंने आहार जल छोड़ दिया, जल का त्याग कर दिया, और वहीं माता जी थी और एक बहन जी थी तुम्हारी ज्योति और सोनू की मम्मी भी वहां पहुंच गई थी, सब लोग थे, बस उनको आर्य का दीक्षा दे दी गई, समतामती नाम रखा, जैसे समता थी उनको नाम भी अच्छा रखा, और बस अपने शांत भाव से सुनती नहीं पढ़ती नहीं, और सभी आज 12 बजे का समय उठा के ऐसे बैठा दिया उसी कमरे में जहां कमरे में हम ठहरते थे, बैठा दिया और बस ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या कहते हुए दे छूट गए। उनके भाई और भाई भाभी होंगे वे वहां, उन्होंने रहने की भावना व्यक्त की तो उनसे ये कही देखो इस चौके में से कोई भूखा न जाए ये ध्यान रखना, माने अंतिम भावना भी कैसी रही, और सबसे कह दिया देखो बाजे बाजे कुछ मत बजाना,
अंतर्मुहूर्त में इस देह का संस्कार कर देना, जैसे हिंसा नहीं। अभी बात हुई भगत जी से, कल बात हुई थी भाई जी से, हमने भाई बोले तो आराम से सो रही थी, क्षमता से उठती और वे बोले भैया क्षमा भाव रखना। मतलब हमने ये विचार किया लेटी देते कि देखो जीवन को सार्थक करने के लिए, सफल करने के लिए बहुत ज्यादा चतुराई नहीं चाहिए। कभी पैसा फैसा चतुराई की बातें नहीं, एक सहजता सरलता समर्पण भाव हो, श्रद्धा। चिरंजीव भाई की याद आ गई, हमने देखो वो भी कैसे उन्होंने समाधि की थी। सेवा साधना और समाधि ये मेल है, जीवन सेवा में लगा ली। मैंने उनके चौके में आप पहुंच जाओ तुझे नहीं लगेगा कम बाहर बैठे मेहमानी कर रहे, कुछ नहीं। और महिलाएं वहीं तो अपने बनाने लगी, उनकी शक्ति भी लो बना लीजिए, धरो निकल लियो अपने यार। तो बस एक ही बात सीखने की है, समता। और समता का विरोधी है ममता। जब तक ममता रहेगी तब तक समता नहीं आएगी। समता का आधार भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान का मतलब बहुत पढ़ाई नहीं भाई, भेद विज्ञान का मतलब यह है ये हम नहीं है। त्रियंकी भी कर लेते भेद विज्ञान। और बहुत अपन करते रहते हैं, सब करते रहते हैं, लेकिन अंतर में लगता रहता है यही हम है। और हमारा अपमान हो गया, हमारा सम्मान हो गया, हमें ऐसे हो गया, हमारा नुकसान हो गया, हमें लाभ हो गया, ये हमारा परिवार है, ये हमारी माँ है, ये हमारी बहन है, ये हमारे फलाने हैं। अरे भाई, और जब पाठ करते तो अपन पाठ कर लेते, परमाणु मात्र मेरा नहीं है, मैं तो एक गायक भाव। तो टोटमल जी ने जो एक्सरा खींचा है, प्रसंग अनुसार सच्ची बातें बनाना, हर समय सच्चे और अच्छे विचार रखना अलग बात है, और प्रसंगानुसार सच्ची बातें कर लेना अलग बात है। अब निकलते हैं तो हम देखते हैं क्या नाम बे स्मशानों का वो हो गया आधुनिकीकरण, मुक्ति धाम कहीं कोई मुक्ति द्वार कहीं कुछ बना, और बढ़िया सुंदर पार्क जैसे और ऐसे बढ़िया बने। तो हम विचारते हैं, अरे देखो अब तो यहां भी विचार करने का कुछ कुछ है नहीं, बैराग का वातावरण कुछ है ही नहीं। एक क्रिया है सो शुष्कता से आकर के वैसे कर दी, उसने अपनी व्यवस्था हो गई। धीरे धीरे बुद्धि का की वृद्धि होती चली जा रही है और भावनाओं की शून्यता होती जा रही है, ये बड़ी दयनीय दशा है। हम तर्क करना सीख गए, हर बात में तर्क क्यों, ऐसे क्या हो जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा। और जीवन की घटनाएं ऐसी हैं, अभी शाम को एक चर्चा घटना सुनने मिली हमें, क्या अपने साधर्मी थे मोहछू थे अच्छे, और कहीं जा रहे थे सो शायद वो नहीं जा रहे थे सो बस वो नहर की ओर से निकलने की दर से निकल जा रहा सो कोहरे में नहीं दिखा, गाड़ी सीधी नहर में गिरी और इतना तेज प्रवाह, दो बच्चियां थी वे निकल करके बाहर आ गए तैर करके, तैरना जानती होंगी थोड़ी, और ड्राइवर की लाश 12 किलोमीटर पर, उनकी पत्नी की 20 किलोमीटर पर, और 35 किलोमीटर पर उनकी लाश मिली। जीवन का मतलब इतना बिल्कुल बबूला जैसा काम है, हर समय अपने परिणामों में बड़ी निर्मलता। अंकल भाई जी के कमरे में कोई जाए और इधर उधर की कोई बातें करे तो वो कहे जाओ भैया ये बातें यहां मत करो। जो समाधि प्रण पाठ में अपन सुनते हैं, निरंजन की कथनी सुनाओ मुझे न कुछ और बतियां बताओ मुझे, तो वो देखने में आता है। ऐसे चिरंजा भाई की
कोई आकर के बैठे, उन्हें अदालत की बात कोई वकील साहब करने लगे, उन्हें जाओ बाहर जाओ भैया, अदालत नहीं है, तुम समसान नाटक सुनाओ, समाधि मन सुनाओ, कलश टीका कुछ सुनाओ, कुछ सुना पाओ तो सुनाओ, नहीं तो जा। हम अपने सावधानी से अपने चिंतन कर रहे, साध समाधि भावना करते, साध समाधि भावना माने साधुजनों की समाधि में सहायक होना चाहिए, अनुमोदन करने लायक प्रसंग होते हैं, सीखने लायक बातें हैं, जीवन तो पूरा होना ही है, जो प्रारंभ हुआ है तो पूरा हुआ है, मरण के प्रसंगों में एक अविची मरण भी है, आयु कर्म की ऐसी स्थिति होती है, अन्य कर्म तो इस भव के बांधे हुए इसी भव में उदय में आ जाए, लेकिन आयु कर्म इस भव में बांधा हुआ इसी भव में उदय में नहीं आएगा, दूसरी आयु बांधी है तो उस भव में उदय में आएगा, उस भव में उदय में आएगा तो जिस दिन से कहते हैं जन्म हुआ मैंने गर्भ में आया, उसी दिन से जो दूसरी आयु थी ना उसका खाता उसमें से खर्चा शुरू हो गया, एक एक क्षण आयु घटती चली आ रही है, एक एक क्षण आयु घटती चली आ रही है, अनित्य भावना बेर बेर सोचना चाहिए कि देखो मृत्यु बालक युवा वृद्ध धनी निर्धन रोगी निरोगी है किसी को नहीं देखती, गांव की भाषा में कहे तो जब जिसका नंबर आ गया सो चल बैठ, सचमुच एक आत्मा ही अजर अमर है, इसलिए आत्मा ही शरण है, एक वितराग भाव ही शरण है, तो कर्म के उदय में कौन शरण होगा, कौन बचा, चारों ओर देखो, देखते रहो, अंधेरा है, अंतर में देखो तो अंधेरे का काम ही नहीं है, प्रकाश प्रकाश प्रकाश, जगमग जगमग जगमग, इसलिए भैया भयभीत होने की बात नहीं है, जो मृत्यु से भयभीत होता है वह कुमरण को प्राप्त हो जाता है, क्या कहा, जो मृत्यु से भयभीत रहता है वह तो कुमरण को प्राप्त होता है, लेकिन जो सदैव सावधान रहता है वह समाधिमान कर पाता है, समाधिमान पाठ में पंडित गुरुमानी राम जी ने लिखा है, समाधि का साधक जीव कहता है, कहता माने समझता है, जो समझेगा वही कहेगा, जो शरीर भिन्न होगा उसे तो मैंने पहले से ही भिन्न जान लिया इसलिए अब मुझको कोई भय नहीं, जैसे मक्खी आकर के गंदगी पर तो बैठती है, कोई अग्नि की ज्वाला पर तो बैठती नहीं, ऐसे जो मृत्यु है काल उसको कहते हैं, वह शरीर का ग्राहक है, मेरा ग्राहक तो है नहीं, कोई बंदी रखी ताले खोल दे हथकड़ियां बेला खोल दे तो वो तो उपकारी है, तो ऐसे मृत्यु को महा उपकारी कहा गया, महा उपकारी, लेकिन उपकारी किसके लिए है, एक मोक्षमार्ग प्रकाशक का प्रसंग बताया था पहले, यह तेरी सच्ची दृष्टि है तो सभी ग्रंथ कार्यकारी हैं, इसका अर्थ हमने क्या किया था, दृष्टि कार्यकारी है तुम्हारी, अगर दृष्टि अगर तुम्हारी विपरीत है तो चाहे कुछ पढ़ोगे उसमें से उल्टा ग्रहण कर लोगे, चाहे कुछ उपदेश सुनोगे उसमें से उल्टा ग्रहण करोगे, लेकिन अगर तुम्हारी दृष्टि सही है, गुणग्राही दृष्टि है, तत्व दृष्टि है, तो जहां भी देखोगे
उसमें से गुण ग्रहण करोगी। गुण माने, गुण किसे कहते हैं? समयसार जी की गाथा में है, गुण शब्द है ज्ञान। शास्त्र पठन नहीं गुण करे तो गुण क्या कहा? शास्त्र पठन का गुण, टीका में पढ़ना, शास्त्र पठन का गुण कोई क्षेत्र बढ़ जाना, जानकारी हो जाना थोड़ा ही है। शास्त्र पठन का गुण वेद ज्ञान होना, वैराग्य होना, मोह टूटना, सुख शांतता मिलना, ये है तत्व ज्ञान शास्त्र पठन का गुण। और यदि अगर शास्त्र पढ़ते हुए देहादि को भिन्न नहीं जाना, रागादि को हेय नहीं जाना, दोष को दोष नहीं जाना, गुण को गुण नहीं जाना, सुख इंद्रिय सुख को दुख नहीं जाना, अतीन्द्रिय सुख को सुख नहीं जाना, तो शास्त्र पढ़ने का क्या लाभ होगा? क्या लाभ? आंखों का फल तो देख करके चलना है, किसी से टकराए भी नहीं, कहीं गड्ढे में भी न गिर जाए, कहीं कांटा भी न लग जाए, निरापद रूप से अपने गंतव्य पर पहुंच जाए। वैसे ही शास्त्र स्वाध्याय का फल तो क्या, पाप रूपी कांटे न लगे, पाप के परिणाम उत्पन्न न हो। पाप के परिणाम अगर उत्पन्न होते रहे, गड्ढे में गिर गए मोह में, परिग्रह रूपी दलदल में फंस गए, तो फिर शास्त्र पठन का क्या गुण होगा? सभी ने कहा था ना भैया, देखो मोह अमंगल रूप है, क्रोध अमंगल रूप है, मान अमंगल रूप है, माया अमंगल रूप है, लोभ अमंगल रूप है, और इनके वशीभूत होने से जो हिंसारिक पाप है वे भी अमंगल रूप है। इनको छोड़ने से मंगलमय दशा प्रकट होती है। मंगलमय दशा प्रकट करने के लिए अमंगल रूप भावों को छोड़ना चाहिए। अमंगल रूप भावों को छोड़े बिना मंगलमय दशा कहां से आएगी? उत्पाद बिना ध्रुव व्यय होगा, व्यय बिना उत्पाद होगा, व्यय के बिना उत्पाद नहीं होता, उत्पाद बिना व्यय नहीं होता, और ध्रुव बिना उत्पाद व्यय नहीं होता, और ध्रुव बिना उत्पाद व्यय के कहां रहेगा, कैसे रहेगा? कूटस्थ नहीं है। कथनों का सार ग्रहण करना चाहिए, प्रयोजन ग्रहण करना चाहिए। पर्याय ध्रुव के आश्रय से आती है, काय के आश्रय से आती, ध्रुव से आती है। सर्वथा कथन ग्रहण मत करो। अगर ध्रुव के आश्रय से, अब मोक्ष मार्ग की दृष्टि से देखें, और बातें छोड़ो अपन, मोक्ष मार्ग की दृष्टि से देखें तो ध्रुव के आश्रय से निर्मल परिणमन प्रकट होता है। जो परिणमन हमारे लिए इष्ट है, सुख का कारण है, वह ध्रुव के आश्रय से होता है। तुम्हें निर्मल पर्यायों की कामना तो है, माने हम सुखी हो, हमें ज्ञान हो, हमें वैराग्य हो, हमें आनंद चतुष्टय हो, रत्नत्रय हो, तो भी पर्याय ध्रुव के आश्रय से होती। जैसे मुनिराज ने क्या कहा, थोड़ी देर कह रहे हैं कि हे भाई, तू चक्रवर्ती इंद्रादि के वैभवों को चाह करके कामना करता, भी वैभव पुण्य से होते हैं। ऐसे ही भाई, तू अनंत चतुष्टय चाहता है, दस लक्षण धर्म चाहता है, रत्नत्रय चाहता है, ये पर्याय तो ध्रुव के आश्रय से होती है। तू ध्रुव का आश्रय कर, रत्न भी पर्याय स्वयं ही हो जाएंगे तुम्हारे जीवन। और ध्रुव के आश्रय करे बिना क्या होगा? जिनको नहीं चाहते, हाँ, उल्टी पर्याय होंगे, कीली पर से सर के अब जितने भी बनेगा उल्टा उल्टा बनेगा, सोई पीछे राग देश की दलदल में। अब पर्याय पर्याय के आश्रय से होती, क्या मतलब है? पर्याय की स्वतंत्रता बतानी है कि ध्रुव का आश्रय होने पर भी
पर्यायों का आने का एक समय है। ध्रुव में से पर्याय नहीं होगी, नहीं तो ध्रुव होगी पर्याय, वो पर्याय भी ध्रुव हो जाए, ध्रुव के आश्रय से नहीं होगी। पूर्व पर्याय में से पर्याय नहीं आएगी, नहीं तो मिथ्यात्व में से सम्यक तो आएगी, अज्ञान में से दुख में से सुख आएगा, संसार में से मोक्ष आएगा, क्या होगा? पर्याय अपने योग्यता है। कितना सुंदर प्रवचन सार जी का विषय था, अनन्य गत है परिणाम समय दुख क्षय कारण, अनन्य गत परिणाम समय पर दुख के क्षय का कारण होता है। समय क्यों लग दिया कि भैया संपूर्ण दुखों का क्षय अभियान नहीं हो जाए, समय पर होगा। अधीरता मत करो, पर्याय की योग्यता का विचार करके अपने जीवन में साम्य भाव रखना सीखो। इस पर्याय की ऐसी योग्यता दी, क्यों किया तुमने, ऐसा क्यों कहा तुमने, ऐसा क्यों कर दिया, क्यों ऐसा हो गया, ये नहीं करना चाहिए इनको, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, अरे उनने किया ही नहीं है। एक एक पर्याय अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता को लिए हुए है, अपनी अपनी योग्यता लिए होती है। ऐसा समझने का फल भी राग द्वेष का अभाव होना है। हे भाई, पर्याय पर्याय में से हुई, पर्याय पर्याय के कारण तो एक पर्याय में से दूसरी पर्याय हुई ना, वो पर्याय कहां से हुई कि पर्याय पर्याय रूप से है, सत है ना, प्रकट हुई, अब व्यक्त हुई है, बस ये समझ लेना है। लेकिन पर्याय कोई ऐसी रखी है तो ऐसे निकाल के रख दिए, ऐसा नहीं। ईंधन में से अग्नि प्रकट हुई तो ईंधन में अग्नि का भीतर रखी है, वो पर्याय का क्रम है। चक्की के पाटों की तरह भी ऐसा द्रव्य का स्वरूप नहीं है, नीचे का ध्रुव रहता है ऊपर का घूमता है, ये तो समझाने की बात है। पूरा ध्रुव है, पूरा अध्रुव। पर्याय से गणय से देखें तो पर्याय द्रव्य ही है, पर्यार्थिक नए से देखें तो पर्याय को द्रव्य ही कहा जाता है, हैं? जो पर्याय की मुख्यता से द्रव्य का कथन करता है वो पर्यार्थिक नए कहलाता है, पर्यार्थिक होती है। मतलब ये है, सूक्ष्मता में आप जाओ बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस अपने लक्ष्य को मत भूलो। हर कथन में से एक बैराग को ग्रहण करके बस अपनी बुद्धि को विराम दो। अलम अलम जल पे अलम विस्तरी ने, इन शास्त्रों के शास्त्र के टीकाओं के शब्दों को इनको बहुत ध्यान में रखना, उसी विस्तार उसी में कर। अब वो सामने वाला कुछ समझा कुछ नहीं समझा, वो ऐसे देखने लगा, उन्हें भैया कुछ नहीं, वो अपनी वाह वाह ये कोई अलौकिक है। बस अलौकिक तो है ही, वस्तु का स्वरूप ही अलौकिक है। लेकिन सर्वथा मत लगा लेना किसी कथन को और अहंकार पर मत चढ़ जाना, ये कोई नहीं जानता, ये तो हम ही जानते हैं, बस ये हमारी, ये नहीं नहीं, अनंत ज्ञानियों का ये विषय है। शब्द भले बने लेकिन अनंत ज्ञानियों का विषय है, ये हमारा स्पेशल विषय है, ये मत समझ बैठना। अनंत ज्ञानियों का एक ही विषय है, शैली अलग अलग है, ज्ञान प्रदान से कथन कर दिया, कहीं विवादार्थिक नय से कथन कर दिया, कहीं द्रव्यार्थिक नय से कथन कर दिया कि द्रव्य में से पर्याय आती है तो काय में से आती है, तो द्रव्य में से आती है, हैं? तो एक एक पर्याय निकलेगी, द्रव्य नष्ट नहीं हो जाएगा, तो पर्याय पर्याय में से आती है, पर्याय आती कहां है, कहां आती है? तो कहते भैया अंधेरा हो गया कहां से आ गया, उजाला आ गया कहां से आ गया, अरे यही परमाणु अंधेरे रूप पर्ण में तो यही उजेले रूप पर्ण में तो गई, इसका तात्पर्य यह है। ऐसा जान करके कर्तृत्व बुद्धि का अभाव हो, अधीरता का अभाव हो, राग मोह का अभाव हो, राग द्वेष का अभाव हो, तो हमारा काम बने, तो हमारा स्वाध्याय सार्थक हो जाए, और नहीं तो भैया जहां की तहां मोह बैठा रहा और अपन ये सब खूब करते रहे, और जिनने ऐसा जैसे इन्हें ऐसा नहीं करना, इनको ऐसा करना चाहिए, ये ढेर लगे रहे तो काम बना नहीं, सब बेकार हो जाए। अपेक्षाएं निरपेक्ष तत्व है,
और निर्पिष्ट तत्व के आश्रय से निर्पिष्ट त्याग होता है, काम खत्म होगा। तो भैया भेद विज्ञान ये मूल चीज है, भेद विज्ञान मूल चीज है। अपने स्वरूप को बड़ी गंभीरता से, बड़ी सहजता से स्वीकार करो। कितना सरल तत्व है उसको जटिल मत बनाओ, जटिल मत बनाओ। त्रियंश समझ लेते हैं, तुम नहीं समझ पाओगे, तुम नहीं समझ पाओगे का मतलब समझो तो तुम इसका मतलब तुम ही नहीं समझोगे, या तुम नहीं समझ पाओगे। अरे कसाय नहीं समझ पाई ये बात अलग है, लेकिन कसाय छोड़कर के समझो तो अभी समझ में आ जा, अहंकार छोड़कर के समझो अभी समझ में आएगा, और अहंकार से अगर समझने की कोशिश करी तो कभी समझ में नहीं आएगा। तो इस प्रकार के प्रसंगों को देख करके हे भाई तुझे अगर संयोग की महिमा आती हो, पद की महिमा आती हो, क्षेत्रम की महिमा आती हो, क्रियाओं की महिमा आती हो, तो इन सारी महिमाओं से विरक्त होना, ये कोई महिमावंत चीज नहीं। जैसे शीर इन सारी बातों से निरपेक्ष है, ऐसे ही धर्म इन सारी बातों से निरपेक्ष है। शीर माने अपने पति में संतुष्ट, ऐसे धर्म माने अपने स्वरूप में संतुष्ट। बाद बाकी विशेष तो भैया क्या कहें, विशेष तो विशेष ही होता है, केवल ज्ञान में संपूर्ण झलकेगा, संपूर्ण तो केवल ज्ञान में झलकेगा। मिथ्या दृष्टि से जो सम्यक दृष्टि जीव हुआ, अल्पज्ञानी हो तो बना रहे, अंधे के स्वाद में और सूजते के स्वाद में कोई अंतर नहीं है। आत्मा की जो अनुभूति हुई, प्रतीति हुई, तो वो स्वाद रूप से हुई है, उसे क्या हुआ, उसे एक आनंद का समझ में आ गया, उसके सामने ये लगने लगा ये कुछ आनंद नहीं है, ये सब दुख है। स्व के सामने ये लगने लगा ये सब पर है, अनित्य है, असरण है, असार है। सार सामने दिख गया तो ये असार बसी है, दिख गया तो मतलब कोई ऐसा ही रूप दिखता हो ऐसा नहीं दिखता, लेकिन उसका स्वाद आ गया। ये समझो बच्चे जैसी भाषा हो गई, बच्चे जैसी बातें हो गई, हमको वही चाहिए। कहा बता क्यों नहीं, हम नाम नहीं आता, हमको वही चाहिए। बहुत बढ़िया टेस्ट है, बहुत बढ़िया स्वाद है, कैसा है, अब बढ़िया है बस। एक निश्चिंतता जीवन में आ जाए, निर्भयता आ जाए, निष्प्रयता आ जाए, निर्वांचकता आ जाए, निर्विचिकित्सा आ जाए, मन ये अंग आ जाएंगे, अंग आते जाएंगे। अहंकार नहीं आएगा, मूर्ता नहीं आएगा, रूखापन नहीं आएगा, वात्सल्य आता जाएगा, प्रभावना होती जाएगी, दुर्भावना नहीं रहेंगी। कसा है आ भी जाए तो लंबा मान करने का प्रयत्न नहीं रहेगा, अधीरता नहीं होगी, आकुलता नहीं होगी, प्रमाद नहीं होगा, स्वच्छंदता नहीं होगी, ये दोष मिटते जाएंगे और गुण आते चले जाएंगे। बस तत्व का ऐसे अभ्यास कर लेना, वाद विवाद करे सो अंधा, तर्क कुतर्क करे सो अंधा, सदगुर कहें सहज का धंधा, सहज का मार्ग सहजता से प्रकट होता। ओम नमः। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, या वाणी के जानते सूझे लोकारो, ओ वाणी मन सदा जीत मुझो।